हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में कि दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, किस डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। लाइक यदि आपने टेक्निकल में कुछ कर रखा है, डिप्लोमा डिग्री, तो यदि आप प्राइवेट MNC में जाओगे तो कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करोगे, लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, कहीं पर भी तो जाओगे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट में है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है, प्रोडक्शन बेस्ट होता है या क्वालिटी बेस्ट होता है, किसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, किसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट होता है और किसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, आप किसमें किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और ITI बंदे की मैक्सिमम ग्रोथ क्या हो सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या क्वालिटी डिपार्टमेंट में, और यदि डिप्लोमा या डिग्री का बंदा है तो उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, उसका मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक जा सकता है और ITI बंदा है तो उसकी सैलरी कहाँ तक जा सकता है, कंप्लीट डिटेल से बताऊँगा ताकि आप जो है घर बैठे डिसीजन ले पाओ। दोस्त, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे ताकि आप घर बैठे डिसीजन ले पाओ, ITI हो, डिप्लोमा, डिग्री, कुछ भी कर रखा है या फिर आपने करने जा रहे हो, तो फिर यदि आप कंपनी में जॉब के लिए जाओगे जब कभी भी या फिर आ रहे हो, तो फिर दोस्त आप डिसीजन ले पाओगे कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे दोस्त जब आपको HR वहाँ पे पूछता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जाता है कंपनी में, तो आप ना आप वहाँ पे कुछ बोलते नहीं या बोल देते हो जो HR आपको ऑप्शन देता है, क्वालिटी, प्रोडक्शन, लेकिन आपको पता नहीं होता चीज़ें कि एक्चुअल में प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे क्या काम दिया जाएगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे क्या काम दिया जाएगा, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती, जिसकी वजह से आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब HR आपसे क्वेश्चन करता है तो फिर आप वहाँ पे ऐसे ही बोल देते हो, तो आपको पता नहीं होता कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से वहाँ पे आप गलत डिसीजन लेते हो, तो फिर उसके बाद आपका लाइफ लॉन्ग आपका वही डिपार्टमेंट में चलता रहता है। यदि आप एक साल अपना प्रोडक्शन में दिए और एक साल फिर क्वालिटी में चले गए, डिपार्टमेंट चेंज कर दिए, तो फिर आपकी ग्रोथ भी उतना ज़्यादा नहीं होती, आपका टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए एक बार में ही आप डिसीजन लो, सही डिसीजन लो। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप ITI, डिप्लोमा, डिग्री के बंदे हैं तो क्या आप सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, क्या आप क्वालिटी डिपार्टमेंट जाना चाहें तो क्वालिटी डिपार्टमेंट सभी लोग जा सकते हैं, तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या काम दिया जाता है आपको। तो दोस्त, वहाँ पे जो काम होता है ना प्रोडक्शन में, या तो आप मशीन शॉप में होंगे, पेंट शॉप में होंगे, असेंबली में होंगे, कहीं पर होंगे, तो आपको लाइन में काम रहेगा। यदि आप ऑपरेटर हैं, तो यदि आप ITI के बंदे हैं तो आपको ऑपरेटर काम मिलेगा, तो आपको ऑपरेटर का ही काम रहेगा। जैसे मशीन को चलाना होगा, कंट्रोल पैनल को हैंडल करना होगा, जॉब निकालना होगा, क्वालिटी चेक करना होगा, ये सब काम रहता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। क्योंकि दोस्त आपको बता दें कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बंदे जाते हैं तो उनको क्वालिटी का भी काम सिखाया जाता है, उसको बेनिफिट ये मिलेगा, जो प्रोडक्शन में जाएगा उसको क्वालिटी का भी काम आएगा, लेकिन जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएगा बंदा उसको प्रोडक्शन का काम नहीं आता है। तो दोस्त आपको प्रोडक्शन में जाने का एक बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्शन में वर्कलोड ज़्यादा है, मेंटली प्रेशर ज़्यादा है, क्वालिटी में आप जिस तरह जाओगे एज इट इज़ आप वैसे ही घर आओगे, आप प्रोफेशनली जाओगे, प्रोफेशनली आ जाओगे, वहाँ पे आपको चेकिंग का एज आ क्वालिटी इंस्पेक्टर आपको काम मिल सकता है। तो दोस्तों क्वालिटी में आपका काम क्या रहेगा कि लाइन में आप घूमोगे, जो भी मशीन निकाल रही है, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो आप उनको चेक करोगे, वर्नियर, कैलिपर, माइक्रोमीटर्स, ये सब आपके पास टूल्स रहेंगे जिनकी वजह से आप उसे चेक कर पाओगे और पता कर पाओगे कि इनमें कितना टॉलरेंस आ रहा है, कितना इसमें मिस्टेक आ रहा है, तो आप इन चीज़ों को बताओगे। या फिर आप पेंट शॉप में हो, मशीन शॉप में हो, या फिर आप असेंबली शॉप में हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर जो काम हो रहा है तो क्वालिटी के बंदे का ही काम है इंस्पेक्शन का काम करना, चेकिंग का काम करना। तो दोस्त यदि आप ज़्यादा वर्कलोड लेना पसंद नहीं करते हो, आप सॉफ्ट काम पसंद करते हो, आप चाहते हो कि एज अ प्रोफेशनल आप काम करो और एज अ प्रोफेशनल आप लाइफ टाइम रहना चाहते हो ना, तो फिर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जितना पार्ट निकलेगा तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के बंदे काम है उतना चेक कर देना, उसको ये लोड नहीं रहता, मेंटली प्रेशर नहीं रहता है कि हमको जो है इतना टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है, जितना निकला है प्रोडक्शन हुआ है उतना ही उसको चेक करना है, तो क्वालिटी इंस्पेक्टर काम थोड़ा आसान रहता है। तो देखिए ऑपरेटर और इंस्पेक्टर की बात कर दी, यदि आपने ITI के बंदे हो तो आपको या तो आप प्रोडक्शन में जाओगे तो ऑपरेटर बनोगे, और क्वालिटी में आओगे तो आप इंस्पेक्शन के काम में रखे जाओगे। यदि आप डिप्लोमा के बंदे हो तो क्वालिटी इंचार्ज बना दिए जाओगे और प्रोडक्शन में आओगे सुपरवाइजर बना दिए जाओगे। और सुपरवाइजर काम होता है मैन पावर को हैंडल करना, लेकिन उसको मशीनों का नॉलेज होना चाहिए, कंट्रोल पैनल या मशीन शॉप में हैं आप जैसे, तो आपको प्रोडक्शन में है तो फिर आपको जो है क्वालिटी का भी काम का नॉलेज होना चाहिए और प्रोडक्शन में मशीनों का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो मेरा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सैलरी जो है क्वालिटी के कंपैरिजन में अधिक होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद यदि आप ITI बनने हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, तो दोनों की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी वाले का थोड़ा सैलरी इंक्रीमेंट जो है इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कंपैरिजन टू प्रोडक्शन, क्योंकि जो बंदा मशीन ऑपरेट करता है या फिर ऑपरेटर ग्रुप में यहाँ पे काम सारा सीख लेता है किसी एक कंपनी में, दूसरी कंपनी स्विच करता है, तो उसका ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू क्वालिटी डिपार्टमेंट के बंदे के, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी के बंदे तो मिल जाते हैं सभी जगह, लेकिन प्रोडक्शन में काम बहुत कम लोग करना चाहते हैं।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी मौका मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। मशीन शॉप में चले जाओ, असेंबली शॉप में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, काम कैसा होता है आप माइक्रो लेवल में चीज़ें सीख जाते हैं। तो वहाँ पर यदि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कंपनी में जो है तो डिमांड भी बढ़ती है दोस्तों। यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बार घुस जाते हो, काम सीख लेते हो ना, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ये भी देखोगे कि यदि आपने परफेक्शन अच्छा खासा हासिल कर लिया और कंपनी में आप जहाँ पर भी अप्लाई करोगे ना दूसरी कंपनी में एक कंपनी से करने के बाद, तो वहाँ पे जितना आप सैलरी डिमांड रखोगे तो कंपनी अपने नाम के अकॉर्डिंग आपके डिमांड के अकॉर्डिंग भी सैलरी लगा देती है कभी कभी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन क्वालिटी के बंदे मिल जाते हैं यार। क्वालिटी में जो है काम बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है उनको, एक महीने दो महीने ट्रेनिंग में कोई भी बंदे को दे दिया जाएगा, वो सीख जाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐसे ही किसी फ्रेशर को रख लिया कोई कंपनी ना, तो वो मशीनों को तोड़ सकता है, वहाँ पे काम गड़बड़ कर सकता है, जिससे वहाँ पे जो है सारा काम खराब कर देगा पूरे एक शिफ्ट का। इसलिए वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदों को प्रोडक्शन में हायर किया जाता है। तो प्रोडक्शन में देखो कि आप जाओगे तो प्रोडक्शन में इन फ्यूचर आपका जो है मेंटली प्रेशर और हार्ड वर्क तो है, बट आपकी ग्रोथ भी आपकी ज़्यादा है। यहाँ पे सैलरी की बात करें आईटी बंदे की, तो यहाँ पे आप जो फ्रेशर में जाते हो तो आपकी 15,000 रहेगी, डिप्लोमा की बात करें तो 18,000 रहेगी, और डिग्री की बात करें तो 22,000 रहती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों सेम रहती है फ्रेशर लेवल में। जब एक्सपीरियंस होता है तो फिर दोस्त आपका सैलरी भी बढ़ता है, लेकिन यदि आप आईटी के बंदे हो तो फिर आप इंचार्ज बन सकते हो, डिप्लोमा के बंदे हो तो आप मैनेजर तक बन सकते हो। लेकिन दोस्त यहाँ पे कई लोग एचओडी भी बन जाते हैं और काम करते करते डिग्री भी लेते रहते हैं, और यहाँ पे काम सीखकर वो एचओडी तक बन जाते हैं। लेकिन डिग्री का जो बंदा है वो प्लांट हेड तक बन सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन क्वालिटी में वो जो है एचओडी तक बन जाएगा। तो दोस्त इस तरह से आप जो है जान सकते हो कि आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वहाँ पे आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या काम दिया जाता है आपको, कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब क्या आईटी डिप्लोमा डिग्री के बंदे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं, क्वालिटी में भी जा सकते हैं। अपने आपके मन मुताबिक है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप कहाँ पे अपना 100% देना चाहते हैं। अब आपको मैंने बताया क्यों आप क्वालिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या देखना पड़ सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हार्ड वर्क और मेंटली प्रेशर, यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है ना। काम है तो प्रेशर रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन थोड़ा कम है, और प्रोफेशनल आप रहोगे, इतना ज़्यादा मतलब अफरा तफरी आपको नहीं मची रहेगी। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। चैनल पर नए हैं और हेल्पफुल वीडियो रहा तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।